हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विस्कीपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैं एक सिंगल मॉल्ट इस चैनल पे लेके आया था जो मुझे पीने में काफी ज्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि अपने प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग सिंगल मॉल्ट थी। हम बात कर रहे हैं ग्लेनमोरेंजी 10 दी ओरिजिनल के बारे में। तो भाई, वो मुझे पीने में इतनी अच्छी लगी तो आज मैं उसका बड़ा भाई ग्लेनमोरेंजी 12 दी लसांता आपके लिए लेके आया हूं। जैसे कि आप देख रहे हो, इसका बॉक्स का कलर काफी ज्यादा डिफरेंट है, एक रूबी रेड है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक काफी बढ़िया बात है। जिस कास्क में इसको मैच्योर किया जाता है वो काफी ज्यादा स्पेशल है और उसी से इसको बहुत बढ़िया टेस्ट मिलता है। सारी डिटेल में बात करेंगे, वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होगी तो प्लीज एंड तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही बढ़िया सिंगल मॉल्ट्स आप लोगों के लिए ढूंढ के लाता रहता हूं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और रिव्यू करते हैं लसांता का। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन चाहिए ग्लेनमोरेंजी के बारे में तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने कंपनी के बारे में सारा डिटेल में बताया था कि कैसे ये स्टार्ट हुई, इसको ग्लेनमोरेंजी क्यों कहा जाता है, उस सब चीजों के ऊपर मैंने बात की थी। आज बात करेंगे स्पेशली इस एक्सप्रेशन के बारे में कि ये क्यों इतना ज्यादा खास है। जैसे कि आप देख रहे हो, बॉक्स एक रूबी रेड बॉक्स है। जनरली इस टाइप के सुंदर बॉक्सेस हमें देखने के लिए नहीं मिलते। मुझे ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा, व्हाइट रूबी रेड और बीच में ये जो लाइंस है ना, ये देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। इनफैक्ट मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका था कि ये जो ग्लेनमोरेंजी की डिजाइन लैंग्वेज है ना, इस बार बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई है और सारा क्रेडिट जाता है कंपनी को, क्योंकि ये लुई विटोन मोइट हेनेसी जो है ब्रांड, उससे आती है और आपको पता ही है कि वो कंपनी जानी जाती है अपनी डिजाइन लैंग्वेज के लिए। खैर, अब अपनी विस्की के ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको इसकी बॉटल दिखाता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। गाइज, ये है बहुत ही सुंदर दिखने वाली ग्लेनमोरेंजी 12 की बॉटल। मुझे इसकी शेप बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये जो नया डिजाइन है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क है। इनफैक्ट बॉक्स के साथ अगर मैं रखूंगा तो रूबी कलर लग रहा है। अब इसके पीछे राज ये है दोस्तों, जो कास्ट में इसको मैच्योर किया गया है। हमने देखा था जो नॉर्मल है दी ओरिजिनल जो 10 इयर्स वाला वेरिएंट है, उसको बर्बन कास्क में मैच्योर किया जाता है। इसको भी बर्बन कास्क में मैच्योर किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इसको शहरी कास्क में भी मैच्योर किया गया है, जिससे इसको ये कलर मिला है, जिससे इसको वो जो टेस्ट है मिलता है, डीप टेस्ट मिलता है, इसको स्पाइसीनेस मिलती है, चॉकलेट का टेस्ट मिलता है, बहुत ज्यादा अरोमास एंड टेस्ट इस सिंगल मॉल्ट में हमें पीने के लिए मिलते हैं। अल्कोहल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इस वेरिएंट में हमें 43% मिलता है, जो 10 थी ओरिजिनल उसमें 40% था, तो इसमें 3% ज्यादा हमें अल्कोहल स्ट्रेंथ पीने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो टेस्ट पे भी काफी बढ़िया इफेक्ट देने वाली है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, टेस्ट करते हैं। उससे पहले मैं इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूं। ये आपको पंजाब में नियर अबाउट 4500 से लेके 5000 की मिल जाएगी। बाकी जो प्राइस है ये डिफर कर सकता है सिटी टू सिटी एंड स्टेट टू स्टेट। तो चलिए, अब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं, इसको ओपन करते हैं एंड टेस्ट करते हैं। वाओ, ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया नोज मुझे आना भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, वैसे इसमें 150A कलर का यूज किया गया है, लेकिन फिर भी ये जो डार्क रूबी कलर आप देख रहे हो ना, ये इसको शेरी कास्क से मिलता है। जो इसकी विस्कोसिटी है काफी बढ़िया है, काफी फाइन लेग्स बन रही हैं सिंगल मॉल्ट की, तो इसका जो माउथ फील होगी वो काफी बढ़िया होगी। अब मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, तो चलिए करते हैं इसको नोज एंड टेस्ट। चीयर्स। जस्ट जैसे ही मैं नोजिंग ग्लास अपने पास लेके गया, बहुत ही बढ़िया स्पाइसेस का एंड फ्रूट्स का अरोमा मुझे आना स्टार्ट हो गया है। जो फ्रूट्स भी हैं, ये डार्क फ्रूट्स हैं, जो कि प्लम्स रेसिंस जो होते हैं, वैसी नोज मुझे इसमें से आ रही है। हल्का हल्का हनी मिल रहा है, सिनेमन का काफी बढ़िया अरोमा आ रहा है अगर स्पाइसेस की बात करूं तो। चलिए एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं। चीयर्स। जैसे ही आप इसको पियोगे,
आपके माउथ में एक ब्लास्ट हो जाएगा फ्लेवर्स का, बहुत ही बढ़िया डार्क फ्रूट्स का अरोमा मुझे आ रहा है, डार्क चॉकलेट का टेस्ट मुझे आ रहा है, हनी का टेस्ट आ रहा है भाई, अभी तक वो टेस्ट लिंगर कर रहा है मेरे पैलेट पे, बहुत ही बढ़िया एक लॉन्ग मैं बोलूंगा इसकी फिनिश है, अभी तक वो टेस्ट को मैं महसूस कर पा रहा हूं, काफी बढ़िया टेस्ट है। एक बढ़िया सा सिप और लेते हैं। वाओ, सेकंड सिप के बाद इसका टेस्ट और ज्यादा डिवेलप हो चुका है और ज्यादा खुल चुका है, अब मुझे वो स्पाइसीनेस काफी अच्छे से मिल रही है, हनी का काफी बढ़िया टेस्ट आ रहा है, जो गुड क्वालिटी का हनी होता है वैसा टेस्ट मुझे इसमें से आ रहा है, हल्की हल्की मिठास भी मुझे इसमें मिल रही है, कैरेमल का टेस्ट मिल रहा है और सिनेमन का एक टच जैसे ही मैंने मतलब पिया है, अभी भी वो सिनेमन का टेस्ट मैं अपने पैलेट पे फील कर पा रहा हूं। तो भाई बहुत ही बढ़िया एक सिंगल मॉल्ट है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, क्योंकि इसको शेरी कास्क में मैच्योर किया जाता है, उससे इसने जो टेस्ट नोट्स है ना काफी अच्छे से पिक किए हैं, काफी हाई क्वालिटी की सिंगल मॉल्ट में इसे कह सकता हूं। तो दोस्तों अगर आप शेरी से इन्फ्लुएंस कोई सिंगल मॉल्ट पीना चाहते हो तो आपको एक बार ग्लेनमोरेंजी 12 को जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है स्वीटनेस का, स्पाइसीनेस का एंड फ्रूटीनेस का, मुझे ये पीने में काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो ये थी आज की वीडियो, चल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन चीयर्स।